जैसे ही आईपीएल शुरू होता है क्रिकेट की खबरें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सॉफ्ट स्टोरीज भी आने लगती हैं, ऑफ द फील्ड स्टोरीज भी आने लगती हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ वो कर लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ पंजाब और मुंबई के बीच जो मैच हुआ उस मैच से। अब दरअसल जो पूरा मुकाबला रहा था उस मैच में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा था, पंजाब ने एक मैच ये वाला और जीता और मुंबई इंडियंस को इस मैच में हार के साथ झेलनी पड़ी इस सीज़न की लगातार 5वीं हार। अब इस हार के बाद मुंबई इंडियंस के जो फैंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे, नाराज़ होंगे टीम से और थोड़े से हताश भी होंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के जो फैंस हैं उनको इस वीडियो को देखकर के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और क्रिकेट फर्टिनिटी जो है उसने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। दरअसल पूरा किस्सा क्या था मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल 2022 में ये जब 23वां मुकाबला समाप्त हुआ तो फिर मुंबई इंडियंस की टीम एक तरफ थी और पंजाब की टीम एक तरफ थी। जब मैच खत्म होता है तो फिर दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स रहते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं मैच के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोला जाता है। जब दोनों टीम्स मिल रही थी तो टीम के साथ में फिर दोनों टीम्स के सपोर्ट स्टाफ जो थे वो भी आए और आपस में मिलने लगे। एक तरफ थे सचिन तेंदुलकर और दूसरी तरफ थे मुंबई इंडियंस के साथ काफ़ी समय तक रहे उनके फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स। जब ये दोनों आमने सामने हुए तो फिर सबको यही लगा कि हाथ मिलाएंगे दोनों और आपस में अच्छे से बातचीत करेंगे, लेकिन हुआ इससे बहुत अलग। जॉन्टी रोड्स अचानक से सचिन के पैर छूने लगे। अब सचिन ने बचने की कोशिश भी की, सचिन ने उनको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जॉन्टी रोड्स बार बार सचिन के पैर छूने की कोशिश करते रहे। अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को लेकर के चर्चा होने लगी और ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सचिन तेंदुलकर के पैर किसी खिलाड़ी ने ऑन द फील्ड छुए हों। इससे पहले भी युवराज सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो कि सचिन को अपना गुरु मानते हैं अच्छा स्कोर करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के रूप में सचिन के पैर ऑन द फील्ड भी छू चुके हैं। खैर सचिन के जो फैंस हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा होगा, लेकिन जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं इस मैच के नतीजे से वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे। खैर मुंबई इंडियंस के फैंस को तो बस उम्मीद अब इस बात की होगी कि अब तक जो भी कुछ हुआ है मुंबई इंडियंस टीम उस चीज़ को पीछे छोड़े और यहाँ से नई शुरुआत करे और आईपीएल का ये जो खिताब है इस पर एक बार फिर से मुंबई इंडियंस अपना नाम लिखवा पाए। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का बैल बजा सकते हैं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके।